अब की बार क्या माहौल लगाऊं के अंदर? अच्छा माहौल तो ठीक ही है। और देखो टाइम बताएगा। तो कोई विकास कर रहा है वो पिछले 5-6 सालों में हल्का में? हल्का में कोई विकास को नहीं आया। विकास तो बजनाल जी के बाद में होया ही को नहीं। और देखो टाइम बताएगा। तो कोई विकास कर रहा है वो पिछले 5-6 सालों में हल्का में? हल्का में कोई विकास को नहीं आया। विकास तो बजनाल जी के बाद में होया ही को नहीं। तो कुलदीप जी को बजनाल के नाम से वोट मिलते हैं या खुद के बजनाल नाम जी के नाम से मिलते हैं? खुद के वोट नहीं इनके, खुद के तो नाम मात्र ही मानो। क्या कारण है? कारण काम की वजह ही है और पब्लिक तो काम चाहती है। तो बजनाल ने काम कराया आपका कहना? बहुत कुलदीप ने ज्यादा नहीं काम कराए? कराया, कुलदीप बहुत ने नहीं ज्यादा। कराए? अच्छा हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आने वाले उपचुनाव है 2-3 महीना में, कुलदीप जी बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या कहना है इस बारे में? भाई कुलदीप जी बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आपने तो इंदिरा है कि कुलदीप का ही वोट ज्यादा है। कुलदीप पर ही संभावना है, बीजेपी कुलदीप में पर जाने से ही। हल्के कुछ फायदा होगा? फायदा तो फूदू तो इंदिरा है कि सरकार है, हमें इतना फेर बदल चलता ही रहे, फिर कुछ ये फोटो नया मिलना हूँ कि अच्छा, इनमें तो कोई पहले भी गए थे कुलदीप। पहला भी तो गया तो बताना रे तो राजनीतिक है जी, या मैं तो ये फेर बदल तो होता ही रहे है, और करना भी चाहिए। अभी अब की बार आप गुंडा कह रहे हैं, अब की बार गढ़ तोड़ दें कुलदीप का, बोला जितने कौन दिया। मेरे विचार में मुश्किल है भाई, कितनी लीड मानो आप कुलदीप जी के यहाँ से? मैं तो सारी लीड ही माना जी, मैं और वोट दिया कि नहीं, मैं तो भजन लाल की तरफ हूँ, नहीं वोट दे। भजन लाल मारा बहुत काम करीडो है। तो अब की बार भजनलाल का महीने बाद चुनाव है अपने आदमपुर में। हाँ जी तो कुलदीप जी बीजेपी ज्वाइन कर ली, सही फैसला है गलत फैसला है? फैसला बहुत बढ़िया कि सरकार ने इम्पोन छुड़वाता आज इसकी टुकड़ होरो मिल जी, मारा मरगा अंबाड़ी अखाड़ी हम काम है जी, समझे तुम, मरे अपने 25 साल हो गया। तो आप तो अपना वोट देने लग रहे उनके? अच्छा, वोट तो परिवारिक सौदा हमेशा में देंदा यार, जहाँ भी तो की बार कह रहे उड्डा अभी गढ़ तोड़ दूंगा। उड्डो तो गढ़ पहले लारा भी उपचुनाव में कौन टूटे जिंदा, तो सरकार के साथ मिले कहीं टूटा मिल गया, मुश्किल है। बाकी तोड़ दे जनाधार पब्लिक को कहता पड़े, कितने जीत मानते हैं बाद मूर्छा कुलदीप जी ने, कितने वोट लगे? जीत को तो अभी के पता लागे के ठा पड़े, अभी कौन कैंडिडेट आया सामने, कोई कैंडिडेट आया पर मुद्दो है कांग्रेस केटा में जेपी जेपी का नाम ने, कर रहे हैं। जेपी आज ये केटा प्रोफेसर संपत सिंह, आज ये संपत सिंह फिर जेपी नाम बारू पड़ी क्यों, वो पहली भट्टू हल्का में तो गुआ में भट्टू हल्का में है, बाकी जेपी जब कुछ मेरे जान में तो जेपी मारो संपत सिंह रहना चाहिए, बाकी इनको घर है जीतन को रात कुलदीप को ही, और बाकी देखो पब्लिक को कहता लोग पड़े क्या पहले बोले, हमारा बीच में आंदा जानता कौन कुलदीप दिल्ली जाके बैठ जाए, इस बारे में क्या कहना है आपका? दिल्ली जार बैठ जे, मैं तो देखो जी मारा तो कोई बात कौन दिल्ली जार बैठ जे, पब्लिक की बात तो ठीक है यार, संभालना सही है, नबी आगे चुनाव आने लग रहे, एक बार तो आना सही है नबियों फैली खेड़ा उसके जन्माष्टमी ताई अगर भी नेता नाता बुला बाद में आज वो अच्छा, अजय कोई घोषित ही को नहीं है यार। घोषित नहीं हुआ अभी, हाँ पहले सरपंच का चुनाव होगा फिर चले, घोषित होगा। हाँ तो गेड़ो मार जी कोई खास बात नहीं, बाकी दिल में रखे रचेड़ो भाई दही लोग वोट तो आपने कहीं से क्या होगा।